प्यारे बच्चों, बेटा अपन ने डाई सेक्रेट चालू कर दिया था। पिछली क्लास में डाई सेक्रेट में माल्टोस पढ़ा था। डाई सेक्रेट किसे कहते हैं? छिद्र मालूम पड़ गया है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलघटक से दो मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं वो डाई सेक्रेट कहलाते हैं। तीन डाई सेक्रेट की स्टडी अपने कोर्स में है, तीन की पढ़ाई करनी है। पहला माल्टोज पढ़ा, माल्ट शर्करा है जो स्टार्च से प्राप्त होती है। दूसरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शक्कर आप खाते हो घर में, जिसको बोलते हैं सुक्रोज, टेबल सुगर है, तो सुक्रोज एक डाई सेक्रेट है। तो आज की पढ़ाई अपनी क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज एक डाई सेक्रेट है। कोई भी डाई सेक्रेट होगा तो उसका फॉर्मूला C12H22O11 होगा। बच्चों ये प्राप्त कहां से होते हैं? गन्ने और चुकंदर से। जो गन्ना खाते हैं और चुकंदर है उससे ये प्राप्त होती है। शुक्र शक्कर बनाते हैं, इक्षु शर्करा, इक्षु गन्ने को बोलते हैं तो इक्षु शर्करा भी कहते हैं। कैसा है शक्कर, कैसी है? पता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय है। अधिक गर्म करने पर भूरे रंग की पदार्थ बना देती है, जल जाता है। जलने पर भूरे रंग का उसे कैरामल बोलते हैं। शक्कर जलने की खुशबू आती होता है घर में, वही यह एक अनपचयी शर्करा है। यह अपचय नहीं कर सकती, इसकी अनपचय शक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों बात करेंगे अपन? उसके बाद इसका जलघटन करवाएंगे। तो जलघटन से दक्षिण द्रोण गुणक से क्या हो जाता है? वाम द्रोण गुणक, मतलब गुणक परिवर्तन हो जाता है बेटा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा या अपवृत शर्करा कहते हैं। गुणन क्या है? तो बच्चों इसका जलघटन देखते हैं, पहले भी किया था। तो सुक्रोज का जलघटन, ये पॉइंट आप जो है नोट कर ले। और अब अपन को क्या करना पड़ेगा? इसका जल अपघटन। जल अपघटन किसे कहते हैं? अच्छी तरह मालूम है जल अपघटन क्या होता है बेटा? जल का जुड़ना तोड़ना। तो किसका जल अपघटन करा रहे हैं? सुक्रोज का C12H22O11। जल अपघटन में जल जुड़ता है और किसकी वजह से? कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज। ये कहां से आता है बेटा एंजाइम? लॉक एंड की प्रिंसिपल पे काम करता है। ईस्ट से, ईस्ट एक कवक होती है उससे ये इन्वर्टेज एंजाइम निकलता है, इन्वर्टेज। और ये इसका जल अपघटन करता है, देता क्या है? C6H12O6 और C6H12O6। दोनों सूत्र एक है लेकिन एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा जो बनाता है उसका टुकड़ा होता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो जलघटन करवाते हैं तो ये होता। अब इनके क्या होता है गुणन कौन होता है फिक्स? इसका गुणन कौन होता है? 52 डिग्री प्लस में। प्लस का मतलब है पॉजिटिव। डेक्स्ट्रो दक्षिण ध्रुवन गुणक होते हैं, डेक्स्ट्रोज छोटे डी से। और इसका जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है यहां 19 डिग्री पे आता है, और इसका ये फ्रक्टोज है इसका होता है 92.4 डिग्री। तो ये कौन है? ये तो प्लस में है और वो पूरा माइनस हो गया, तो इसको परिणाम ही क्या आएगा? माइनस। यानी कोई चीज पहले प्लस थी वो क्या हो गई बाद में? माइनस हो गई। इसको कहते हैं लीवो, इसको हिंदी में कहते हैं वाम ध्रुवण गुणक। मतलब प्रकाश को ये यदि दक्षिणावर्त घुमाता है तो ये माइनस घुमा देता है, इसलिए कहते हैं उल्टा हो गया मामला। और उल्टा जब हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा या अपवर्त शर्करा कहते हैं, क्योंकि इसका विन्यास बदल जाता है। तो क्रिया के पश्चात विन्यास प्लस से माइनस हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा या अपवर्त शर्करा कहते हैं। अपवर्त शर्करा कहते हैं, अपवर्त। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अपवर्त शर्करा क्या होती है? प्रतीप शर्करा कहलाती है। विन्यास हुई ऐसे विन्यास बदल जाता है, पहले से उल्टा हो जाता है। और लास्ट है इसकी संरचना। स्टार्च की संरचना में आप देख रहे हो क्या आ रहा है? दो टुकड़े अल्फा डी ग्लूकोज। और तो संरचना से भी एक चीज निकल के आएगी कि ये अपचय नहीं कर सकती। संरचना कैसे बनानी है? अल्फा डी ग्लूकोज का आवर्त सूत्र आपने याद कर लिया होगा, वो पाई रेंज जैसा। ऑक्सीजन यहाँ है, फिर ये कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगता है अपने? HOH। दूसरे कार्बन पे क्या लगता है? वही HOH। तीसरे पर HOOH और H। चौथे पे H और जो फर्स्ट दिन याद की वो काम आएगी अपने अल्फा डी ग्लूकोज के लिए। ये किसकी संरचना है? अल्फा डी ग्लूकोज की। और साथ में फ्रुक्टोज लेना है, फ्रुक्टोज अपने 5 मेंबर है। फ्रुक्टोज का भी आप बीटा वाला भाग लेना है, जो आपकी कॉपी में बना हुआ है अल्फा बीटा, वो आप इसको ले लेंगे यहां पर। और यहां पे क्या होता है कि H और OH। अब ये वाला H और OH जो इसका भी 1 नंबर वाला और इसका भी 1 नंबर, दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये OH कहां से आता है बेटा? वो चक्रीकरण में एल्डिहाइड से प्राप्त होता है। तो ये दोनों भाग ले लेंगे, यहां से जल निकालोगे तो इनका कनेक्शन किससे हो जाएगा? O से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन से जो कनेक्शन हुआ है, दो मोनोसेक्राइड जिस ऑक्सीजन बंध से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है?
ग्लाइकोसिडिक बंद, ग्लाइकोसिडिक बंद, ये कनेक्शन ही इंपॉर्टेंट इस पार्ट में। तीन कनेक्शन है, तीन लिंकेज इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इस दम नहीं इस पार्ट में कि भाई इकाई धुरती कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लाइकोसिडिक बंद, बाकी तो यहाँ पर कोई लगा नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा जैसे ओ एच 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 ओ एच और सी एच टू ओ एच और एच जो भी है, ये बीटा डी क्या होगा फ्रक्टोज। ये पूरी संरचना किसकी है, अब ये संरचना है सुक्रोज की संरचना। आप पूछेंगे सुक्रोज की संरचना ये साफ साफ एक छह सदस्यीय वलय दिखेगी, एक पांच सदस्यीय वलय दिख जाएगी, ये है सुक्रोज की संरचना। एक अंदर जो कह रहा है कि पढ़ाई है कि इसमें OH मुक्त नहीं है जो ग्लाइकोसिडिक बंद में भाग ले लेता है, तो यह शर्करा अपचय नहीं कर सकती, तो सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है क्योंकि इसमें मुक्त OH नहीं। तो यह है बच्चों सुक्रोज की संरचना। और तीसरी है जो दूध में मिलती है वो डाइसैकेराइड कौन सा है, दूध में पाया जाने वाले डाइसैकेराइड का नाम लैक्टोज शुगर, लैक्टम दूध को बोलते हैं। तो अब तीसरी डाइसैकेराइड जो अपने कोर्स में है और वो डाइसैकेराइड कौन सा है, लैक्टोज। लैक्टोज जो है कि क्या कहां से मिलता है, लैक्टम से, लैक्टम बोलते हैं दूध को, लैटिन भाषा में लैक्टम किसको बोलते हैं, दूध को। और दूध जब दही में बदलता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ओके, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा तो प्राप्ति कहां से हो गई, फिक्स पॉइंट बनाना, प्राप्ति दूध से, दूध से पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं, लैक्टोज। फिर गुणधर्म, सबके गुण लिखे, वैसे इसके भी गुण लिखने हैं। इसका पहला गुण क्या है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, पाउडर आता है या दूध का, तो पाउडर शक्कर, दूध की शक्कर क्या है, उसको दूध का पानी उड़ा दो जो शक्कर बनती है वो पाउडर बना लेते हैं, उससे वापस दूध बनाया जा सकता है। जल में विलय, जो सैनिक वगैरह होते हैं उनको दूध का पाउडर सप्लाई करते हैं तो वो जल में विलय लेते हैं उसको, तो जल में विलय। तीसरा पॉइंट है यह एक अपचयी शर्करा है, अपचयी शर्करा अपचयन कर सकती है, दूसरों का अपचयन कर सकती है, इसलिए इसको कहते हैं अपचयी शर्करा है। चौथा पॉइंट है यह दक्षिण द्रोण गुणक होता है, यह दक्षिण द्रोण गुणक, द्रुवण द्रुवण गुणक, दक्षिणावर्त पता है, प्रकाश को दक्षिण दिशा में घुमा सकती है, मतलब क्लॉकवाइज घुमा सकती है। और पांचवा है जल अपघटन, जो आपको सबका ही करना है, फिर संरचना खत्म हो जाएगा। जल अपघटन, इसका जल अपघटन करवाने पर अपन को ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है, तो मेन है जल अपघटन। अभी हमारे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया कि लैक्टोज जल अपघटन से क्या देता है, तो C12H22O11 ये जल अपघटन करवाएंगे इसका, तो ये है यहां पर लैक्टेज एंजाइम, लैक्टो लैक्टेज है तो यहां क्या होगा, लैक्टोज शुगर को, माल्टे माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज जो है, लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज, जल अपघटन करवा दो इसका, तो C6H12O6 और क्या उत्तर है, दो मोनोसैकेराइड बनेंगे, एक का नाम है बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी गैलेक्टोज। तो कुछ नहीं है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको है, बीटा लिंक आएगा तो बनाना आसान है। बीटा डी का स्ट्रक्चर क्या है, सिखाया हुआ है मेरे, आप देखिए ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इजीली। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस भी पता लग जाएगा आपको और बीटा भी आपको पता लग जाएगा, ध्यान देना है, फिर ट्राई करने हो जाएगा। तो अल्फा में तो क्या था, एच ओ एच, उल्टा हो जाएगा यहाँ ओ एच एच, बाकी कोई चेंज नहीं करना, यहाँ एच ओ एच ही आएगा, यहाँ ओ एच एच ही आएगा, यहाँ यहाँ पर। अब गैलेक्टोज क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज पहले ले रहा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में एक अंतर, यहाँ चार नंबर पर ओ एच ऊपर आ जाएगा एच एच, ये अंतर है ना, यहां पर तो आएगा एच ओ एच, ये है आपके बीटा डी ग्लूकोज, इसका कनेक्शन करवाना है, बीटा लिंक देखना है बस। और यहां क्या है सी एच टू ओ एच और एच, इसी तरह से यहां पर क्या आएगा ओ एच एच
यहाँ एच ओ एच, यहाँ ओ एच एच, ये ग्लूकोज की संरचना है, सी एच टू ओ एच और एच, ये दोनों है, एक तो है बीटा डी गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चार नंबर पर ओ एच और एच है, इसमें चार नंबर पर एच और एच। बस यहां से वाटर रिमूव करना है, यहां से पानी निकालना, दोनों का कनेक्शन किससे हो जाएगा, बीटा लिंक है नाम वही, एल्फा एल्फा जो जुड़ के क्रॉस भी जुड़ा है, इसको कहते हैं बीटा लिंक, नाम वही होगा इसका, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो बच्चों अब ये पूरी संरचना जो बनी है ये किसकी है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, लैक्टोज। तो ये पूरी संरचना है, इसको आप वीडियो देखोगे जब इसको रोक करके ये संरचना बनानी लैक्टोज। तो इस तरह से जो पढ़ाई हुई है वो किसकी हुई है, डाइसैकेराइड। अब बेटा पढ़ेंगे अपन क्या, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड कैसे कहते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलपटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, 10 से दो, ठीक है ना, डाई ट्राई ये तो सब ऑलिगो में आते हैं, और 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड का सबसे बढ़िया उदाहरण है स्टार्च, उसके साथ सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो अब किसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं अपन, बताओ बच्चों, वो पढ़ाई कर रहे हैं अपन पॉलीसैकेराइड्स की। हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पॉलीमर ही फॉर्म है, सबका फॉर्मूला C6H10O5 होल N, पॉलीमर की फॉर्म में होगा, बहुलक आपको पता है बहुलक की फॉर्म में होगा, एन लगा हुआ है, यह है पॉलीसैकेराइड। इसके उदाहरण प्रमुख स्टार्च का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला स्टार्च का रहेगा। बच्चा कहता है सेल्यूलोज, यही फॉर्मूला सेल्यूलोज का रहेगा। ग्लाइकोजन, ये एनिमल प्राणी स्टार्च कहलाता है ग्लाइकोजन, उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। तो ये पॉलीसैकेराइड का सबका सूत्र एक है, सबका मालिक एक हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपने कोर्स में क्या है, स्टार्च, ये क्या है स्टार्च, क्या है, पौधों का संचित भोजन है, सब्जियां हैं, आलू है जैसे, ठीक है, शकरकंद है, ये सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये क्या है, स्टार्च पौधों का संचित भोजन, स्टोरेज फूड ऑफ द प्लांट, और उसको अपन ले लेते काम, पौधों का संचित भोजन, और कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है संचित भोजन, कार्बोहाइड्रेट अपन भोजन अपना मुख्य भोजन ही, मांस नॉन वेज मांस वगैरह खाने वाले की बात अलग है, लेकिन बाकी जो है भोजन मुख्य भोजन आपका यही है स्टार्च, पौधों का संचित भोजन है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है बच्चों। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और मुख्यतः मेन किससे बनता है, मुख्यतः एल्फा डी ग्लूकोज का, एल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। क्या होता है बहुलक, ये रहा फॉर्मूला, बहुलक के फॉर्मूले में एन लगता है, ये लगा हुआ, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, ये पॉलीसेकेराइड और मुख्यतः एल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। अब इसकी संरचना जटिल है तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, इजी कर देते हैं, इसकी एक जटिल संरचना होती है इसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है संरचना के, दो भागों बांटनी है, और वो दो भाग कौन से हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं संरचना दो भागों में बांटते हैं जटिल संरचना को, एक तो होती है अल्फा एमाइलोज और दूसरा भाग होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है बच्चों, एमाइलोपेक्टिन, दो भागों में बांटते हैं, यह केवल थोड़ा भाग है तो 10 से 20% भाग है, कम है, छोटा भाग है, ये अल्फा एमाइलो छोटा भाग होता है, ये 80 से 90% भाग है किसका, स्टार्च की संरचना का, ये 10% से 20 है, ये भाग जल में विलय, आसानी से जल में विलय भाग है, ये भाग जल में विलय है, ये भाग जल में अविलय है, क्यों है जल में अविलय क्यों है, क्योंकि तो ये शाखित है, इसमें क्या होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का, ग्लूकोज का साखित बहुलक है, अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय साखित, रेखीय रेखीय बहुलक का मतलब ये हुआ सीधा सीधा है,
तो सीधे सीधे तो सीधे ही होते हैं, चार टूट जाते हैं। और ये अल्फा डी ग्लूकोज का साखित बहुलक होता है, साखित बहुलक होता है। और साखित जो ब्रांचेस निकलती है तो उसमें क्या आती है, कठोरता आ जाती है और वो फिर मजबूती से टूटता नहीं। तो ये जल में अभिलय भाग है। तो ये बहुत सिंपल सी है, ये छोटी संरचना ये है अल्फा डी ग्लूकोज की है। तो अपन पहले अल्फा एमाइलोज देख लेते हैं, फिर एमाइलोपेक्टिन देख लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। तो आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक वो ग्लाइकोसिडिक बंध बनाना आना चाहिए। और अल्फा डी ग्लूकोज आपने कितनी बार बना लिया, आवर्त सूत्र आना चाहिए। ये है एमाइलोज की संरचना, अल्फा एमाइलोज बनाने जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। ये डब्बे किसके हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के, बहुत हैं, खूब सारे बनाओ भले भले, ठीक है ना। पर बहुत सारे बना के क्या कर लेंगे अपन, एक समझ में आना चाहिए। ये एच और ओ एच, यहाँ क्या है, एच और ओ एच, ये एच ओ एच, ओ एच एच, ओ एच और एच, ठीक है ना। बाकी वो सब लगा नहीं है, यहाँ सी एच टू ओ एच और एच, सबसे बड़ी बात है यहाँ एच और ओ एच। अब ध्यान देना, यहाँ का एच है, यहां से एच जाएगा तो ये खाली सर्जेक्ट आ जाएगी, यहां से अपन को कनेक्शन पानी निकालना है, तो उनका कनेक्शन किससे हो जाएगा, ओ से। ये यहां पर भी यहां क्या होगा, एच और ओ एच, यहां से जल जाएगा तो इनका कनेक्शन किससे हो जाएगा, ओ से। और यहां एच और ये ओ खाली छोड़ोगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, कनेक्शन इस पे और लगाने हैं सारी चीजें, ये लगाने हैं यहां पर, मैंने नहीं लगाया है। एच और ओ एच, ओ एच एच, यहां सी एच टू ओ एच। तो बच्चों इस तरह से लंबी लंबी रेखीय संरचना बनी है। कौन सा भाग है, ये अल्फा भाग है, अल्फा एम आई लोस, ये 10 से 20% भाग रेखीय बोलो होता है। और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, साखित होता है, उसमें कुछ नहीं, नया कनेक्शन यहां से नीचे से ब्रांच जुड़ जाती है, 1/6 कनेक्शन हो जाता है। तो मैं इसी में अभी आपका एमाइलोपेक्टिन वाला भी भाग बनाऊंगा, तो वीडियो रोक करके आप नोट कर लेंगे। इसी का लीनियर पॉलीमर जो बनता है, रेखीय बहुलक बनता है, रेखा में अल्फा एमाइलोस, ये जल में विलय भाग है, 10% भाग है। अब मैं इसी भाग को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, एमाइलोपेक्टिन। तो कैसे होगा, तो यहां क्या करना है, नीचे से एक नीचे ब्रांच निकाल दीजिए, तो ये एमाइलोज नहीं रहेगा, एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा, ध्यान देना। हाँ, यहां एच और यहां ओ एच, यहां से एक नया बहुलक जो नीचे से एक नई ब्रांच है वो वाली नीचे जो है एक लाइन और रेखी है चल रहा, इधर से तो अपन को खाली छोड़ देना, ये ओ है, ये ओ है ही है, यहाँ एच और ओ एच खाली छोड़ देंगे, यहाँ एच ओ एच, ओ एच एच, ये देखिए एच और ओ एच, और फिर ये था आपके एच और इसका कनेक्शन आप करा ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों यहां एक देखना है नई बात, हुआ क्या है, ये इससे जुड़ जाएगा, यहां से भी ओ एच, यहां से वाटर निकाल देना है, और इनका कनेक्शन किससे हो जाएगा, ओ से। इसका नाम है 1,6-ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध है, 1,6-ग्लाइकोसिडिक बंध, बस एक नया कनेक्शन हो जाएगा। और इस तरह से जो ये साखित बन गया है इसे क्या कहते हैं, एमाइलो पैक्टिन, क्या बोलते हैं, एमाइलो पैक्टिन। यह एक पॉलीसेकेराइड है, ये संरचना किसकी है, स्टार्च की साखित संरचना। प्यारे बच्चों ये कुछ नहीं है, 1,6 कनेक्शन है, और ये कौन सा है, 1,4-ग्लाइकोसिडिक, 1,4-ग्लाइकोसिडिक आप बॉन्ड है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये था पहला पॉलीसेकेराइड। और दूसरा अपने जो कोर्स में है वो है कौन सा है, सेल्यूलोज। कहाँ पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो निर्जीव कार्बोहाइड्रेट होता है वो है आपके सेल्यूलोज। कागज वगैरह जो बनता है वो सेल्यूलोज के बनते हैं, तो आप कौन सा पढ़ेंगे, सेल्यूलोज, सेल्यू सेल्यूलोस, वो एक पॉलीसेकेराइड है। तो फॉर्मूला तो वही होगा, C6H10O5N। कहाँ प्राप्ति कहाँ से होती है, पौधों की कोशिका भित्ति। अब सेल वॉल कैसा भाग है, निर्जीव भाग सेल वॉल। इसके अलावा ये रुई है, यानी कपास है, जूट है, रेसे जो होते हैं ना मृत रेसे, वो सेलुलोज के बनते हैं। अब ये क्या होता है,
ये पॉलीसेक्राइड है और ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। कहा बहुलक, तो बस कुछ नहीं है, बीटा वाली इकाइयां कनेक्ट करनी है। कैसे? संरचना बन जाएगी आराम से, यहां पर ओ एच एच कर देना बस, यहां आपके एच ओ एच वो सब लगानी है, ओ एच एच, यहाँ एच और ओ एच, यहाँ सी एच टू ओ एच और सी एच टू ओ एच और एच। ओके, यहाँ एक अणु और ले लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच और एच, यहाँ जाएगा एच, कोई ओ एच आ जाएगा, ओ एच 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 ओ एच ओ एच 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 हाँ ओ एच। बस कनेक्शन किससे कराना है, ये बीटा लिंक। तो बच्चों इस तरह से यहां खाली छोड़ दो, यहां पर भी ओपन वैलेंसी आ जाए, टेन टाइम वो बहुलक में आता है एन, तो ये हो गई आपके बीटा लिंक हो जाएगा। और किसकी संरचना हो गई, सेल्यूलोज की। तो बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है सेल्यूलोज। और तीसरा और अंतिम में जो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है और जिसे प्राणी स्टार्च कहते हैं और उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, प्राणी स्टार्च, एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है, उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। तो बच्चों ये थी पढ़ाई किसकी, पॉलीसेकेराइड की। तो कार्बोहाइड्रेट की पढ़ाई को पूरा अपन ने कर लिया है बच्चों, अब किसकी पढ़ाई करेंगे, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की पढ़ाई है बच्चों। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन वो होते हैं जो है लैटिन भाषा से प्रोटियोस से आया है, प्रथम महत्व के यौगिक है प्रोटीन। बॉडी के आपका जो शरीर बना है किससे बनता है, प्रोटीन। ये बच्चा जो प्रोटीन लेता तभी तो बड़ा होता है, जन्मते ही उसको रोटियां थोड़ी खिलाते हैं। इसलिए प्रोटीन की बात करने जा रहे हैं, प्रोटीन लैटिन भाषा के शब्द, प्रोटीन जो है कि उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द प्रोटियोस से हुई है बच्चों। आइए प्रोटीन, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रोटियोज से हुई है। प्रोटियोज का मतलब होता है प्रथम महत्व के यौगिक, प्रथम महत्व के यौगिक, प्रथम महत्व के यौगिक। तो ये जीवन में हमारे प्रथम महत्व के हैं, सजीवों में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक जिनसे जिनसे सजीवों की वृद्धि और विकास। तो सजीवों की वृद्धि और विकास, तो परिभाषा आप चाहो तो बना सकते हो, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन जरूरी, नाइट्रोजन युक्त ऐसे यौगिक, ऐसे कैसे कौन सा है, कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो सजीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसके लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, के लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं बच्चों, प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन भी बड़े कार्बनिक अणु है, जैव अणु है, बहुत शानदार पढ़ाई है। तो बताओ फिर कार्बोहाइड्रेट तो मेन था ग्लूकोज, और इनमें मेन कौन है, इनमें मैंने एमिनो अम्ल, ये किसके टुकड़े होते हैं, एमिनो अम्ल के। तो मेन लाइन अब आप लिखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लें साथ साथ, जब बोलता हूं तब तो आप लिखने की कान में लगा के मोबाइल सुनते सुनते आप उसको लिख लें। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन स्टार पॉइंट डाल के लिखते हैं, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, मेन पढ़ाई होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एमिनो अम्ल क्या है, इसका मतलब मेन इकाई होगी छोटी टुकड़ा प्रोटीन का। भाई प्रोटीन को मान लीजिए आप गर्म करते हो ना, प्रोटीन तो बहुलक है, बड़ा अणु है, इसको थोड़ा गर्म करते हो तो ये क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला है ना, चेन का होता है संगठन। और उसको आप गर्म कर देते हो
तो ये क्या बना लेता है, अल्फा एमिनो अम्ल। तो उसका छोटा टुकड़ा जो है बन जाता है अल्फा एमिनो एसिड। तो प्यारे बच्चों एमिनो अम्ल तो मेन हीरो एमिनो अम्ल हो गया है, तो सबसे पहला हेडिंग ये डल जाएगा एमिनो अम्ल की संरचना। बहुत ही आसान है याद करना, भूलेगा नहीं एमिनो और अम्ल। तो देखिए एमिनो क्या होता है समूह केमिस्ट्री में, ये रहा NH2। अम्ल क्या होता है COH, और H लगा दो और एक एल्केल समूह लगा दो। क्यों? क्योंकि तो एमिनो अम्लों में एक ऐसा कार्बन होता है जिसमें चारों समूह अलग होने चाहिए, ये अलग ये अलग ये अलग, और इसमें किरेल, इसको कहते हैं केमिस्ट्री में किरेल कार्बन या असममित कार्बन, इसको केमिस्ट्री में कहते हैं किरेल कार्बन या फिर कहते हैं असममित कार्बन। तो प्यारे बच्चों एमिनो अम्ल में किरेल कार्बन होता है जनरली। दुनिया में एक ही ऐसे अम्ल, जो इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आया है कि एक ऐसा एमिनो अम्ल बताइए जिसमें किरेल कार्बन नहीं होता है, वो प्रकाशिक समायता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि प्रकाशिक समायता की एक शर्त होती है किरेल कार्बन, ठीक है ना। तो बोर्ड में आया है इसका एक अपवाद है, यह है सामान्य संरचना है जनरल संरचना है एमिनो अम्ल, ठीक है ना। और एक अपवाद है जिसमें यह किरेल कार्बन नहीं होता है, वो है ग्लाइसिन। तो नॉट पॉइंट है ये, एक ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें किरेल कार्बन नहीं, वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो अम्ल है, ऐसा एमिनो अम्ल है जिसमें किरेल कार्बन नहीं होता। किरेल कार्बन कहो चाहे दूसरा नाम क्या है, असममित कार्बन, ऐसा कार्बन चारों समूह अलग वाला कार्बन नहीं है, असममित कार्बन नहीं है। और इसलिए क्या नहीं होगा, इसलिए प्रकाशिक समय का प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए यह प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। तो प्यारे बच्चों बोर्ड ने पूछ लिया है इस बार के, एक दुनिया में एक ही है इसलिए, और वो फॉर्मूला बनाना है ग्लाइसिन का, ये रहा CH2COH और NH2, ये रहा एमिनो और ये अम्ल। देखो इसमें चारों अलग नहीं, दो हाइड्रोजन लग गए, तो ये ग्लाइसिन का सूत्र आप याद रखें, बहुलक के पार्ट में भी आया था ग्लाइसिन, ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, ये बोर्ड में इस साल का प्रश्न था आया। तो सामान्य संरचना देख ली अपन ने, अब अपन मैंने कहा था इस लेसन में इस पार्ट में तीन कनेक्शन है, पहला ग्लाइकोसिडिक बंध का है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ते थे, और इसमें जो कनेक्शन होगा है वो है पेप्टाइड बंध, ये अपने इस क्लास में आज अंतिम बात कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड पेप्टाइड बंध। दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध से जुड़ते हैं, जिस एमाइड कनेक्शन से जुड़ते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो दो एमिनो अम्ल, एमिनो अमीनो भी लिखा हुआ आता है, एमिनो भी लिखा हुआ आता है, एक ही बात है, एमिनो अम्ल जिस एमाइड बंध से जुड़ते हैं, जिस एमाइड बंध से जुड़ते हैं, बंध से जुड़ते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों देखना, COOH सबको पता है, एमिनो ये रहा, H ये रहा, R ये रहा, एक और ले लीजिए पास में एमिनो, बस एक H खोलना, करना क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन तो खोल सकते हो आप, और यहाँ R लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, R लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, दो का कनेक्शन कराना है बस, वाटर मॉलिक्यूल यहां से H निकालना है, यहां से OH, यहां का H, और यहां से आप H उड़ा रहे हो तो OH उड़ा रहे, तो OH उड़ा दो NH2। तो बच्चों कनेक्शन हो रहा है, ये जो बन रहा है वो पेप्टाइड बंध आ जाएगा, क्या है NH, यहां से चालू कर रहा है मैंने C, C C से क्या जुड़ा हुआ है R, H, आगे बढ़ो C डबल बॉन्ड हो, आगे बढ़ जाओ यहां से NH C R H C डबल बॉन्ड हो। तो बच्चों ये जो कनेक्शन हुआ है CONH, ये बॉन्ड ये है एमाइड, देखो एमाइड ग्रुप है, और इसका नाम ही है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड इंक्रीज। तो बच्चों जब दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं
तो डाइपेप्टाइड, कनेक्शन वही ये वाला है, तीन जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, और जब हजारों एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के लंबी श्रृंखला जो बनाते हैं उसे ही प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन से ही हमारा शरीर बना हुआ है, प्रोटीन से ये बॉडी बनती है। तो एमिनो अम्लों के जो कनेक्शन है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड बंध। अगले क्लास में एमिनो अम्लों के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। धन्यवाद।